तो हाय फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल माय मैकेनिकल सपोर्ट में दोस्तों आपके बाइक की भी अगर हॉर्न खराब हो गई है जो कि कभी ये पकड़ती है कभी छोड़ देती है जिस तरह से देख रहे हैं जितना बार मैं प्रेस कर रहा हूँ उतना बार जो है वो हॉर्न हमारी आवाज़ नहीं निकाल पा रही आप लोग देख पा रहे होंगे कभी जो है वो निकल रहा है कभी जो है वो नहीं तो इसका क्या कारण है और बिल्कुल घर पर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले इसके प्रॉब्लम को जान लेते हैं कि यह प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होती है हमारे हॉर्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे चले मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा फोकस करता हूँ तो ये दोनों वायर रहते हैं जो कि जो है वो हॉर्न को पावर सप्लाई देते हैं और ये जो स्क्रू रहता है ये ट्यूनिंग के लिए रहता है तो फ्रेंड्स इस जगह हम देखेंगे तो एक स्क्रू रहेगा और एक जो है वो नट प्रोवाइड करवाई गई है तो आपको सबसे पहले जो यहाँ नट है बिल्कुल हल्के हाथों से इसे खोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइट नहीं रहती है ठीक है इसको खोलने के बाद ये जो हमारा स्क्रू है ये अब मूवेबल है मतलब कि इसको मूव कर सकते हैं और यहीं से हमें ट्यूनिंग करनी है चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसके लिए सिर्फ हमने एक स्क्रू ड्राइवर लिया है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ये इस तरह से आपको जो है वो स्क्रू थोड़ी सी जगह कम बनती है यहाँ पे इसलिए थोड़ा सावधानी आपको रखना होगा थोड़ा सा जो इसे हल्का सा टाइट करना है और उसके बाद जो है वो ट्राई करना है मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ जो बज रही थी हमारी हॉर्न वो भी अब जो है वो नहीं बज रही है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या दिक्कत हो सकता है इसमें फिर हल्का सा और जो है इसे टाइट करेंगे बस हल्का सा टाइट करेंगे और आपको जो है वो चेक भी करना आप देख रहे हैं अब हमारी जो हॉर्न है वो बजना स्टार्ट हो गया है लेकिन हमारा जो ये नट था ये बिल्कुल अभी भी लूज है तो इसे हम लोग टाइट कर देंगे आप चाहे तो इसमें रिंग से भी लगा सकते हैं लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये काफ़ी हल्की सी रहती है आप जो है वो इसे हाथ से भी टाइट कर देते हैं मैंने हाथ से ही खोला था और अब यहाँ पर जो है ये हमारा स्क्रू था वो फिक्स हो गया है और अब हमारी हॉर्न जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है आप देख सकते हैं ये जो है वो आपको दिखा दे तो फ्रेंड्स हमने सक्सेसफुली अपने हॉर्न को रिपेयर कर लिया है अब ट्रायल की बारी है अब यहाँ पे जो है वो और कुछ आपको नहीं करनी है हमारे की पहले से ऑन है चलिए जो है वो प्रेस करके देखते हैं देख सकते हैं कि सिंगल प्रेस में ही हमारी जो हॉर्न जो है वो सही तरीके से काम कर रही है मतलब कि हमने सक्सेसफुली अपने हॉर्न को रिपेयर कर दिया और अब यहाँ पे जो छूटने की समस्या थी कभी हॉर्न बजती थी कभी नहीं बजती थी तो उम्मीद करते हैं आपके बाइक में भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इजीली जो है वो घर पे ही से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कहीं भी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले नमस्कार जय जवान जय मैकेनिकल धन्यवाद दोस्तों